हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है क्या यही है मोदी की गारंटी दो करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी सो स्मार्ट सिटी की भी मोदी की गारंटी थी दो करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी पंद्रह लाख खाते में डालने की भी मोदी की गारंटी थी मगर आज सारी गारंटी फेल है सिर्फ एक ही गारंटी है इस देश को बेचने की गारंटी है हाँ उसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल नंबर पे आज पूरा देश मोदी का परिवार हो चुका है बीजेपी की आई सेल का है सारा ही कोई नरेंद्र मोदी का परिवार बनना नहीं चाहता परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता कुछ दिनों पहले चौकीदार भी बने थे लोग और चौकीदार ने क्या किया क्या किया सर? सब कुछ बेच दिया अच्छा। पुलवामा अटैक भी हुआ था चौकीदारी की चौकीदारी में देश का हत्यारा इस देश का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवार में दखल कर दी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में तोड़ने का काम इस परिवार के सदस्य ने अपने आपको परिवार समझता ना कुछ दिनों पहले चौकीदार भी सेंटर में बैठने के बाद अगर हर राज्य में पेपर लिखो रहा है तो ये आपकी नाकामी है जनता से है वो जनता ने बिठाया है उन्हें और उन्हें अपना अहंकार को खत्म करना चाहिए आज ये कहते हैं मोदी की गारंटी हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है मैं पूछना चाहता हूँ क्या यही है मोदी की गारंटी दो करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी सो स्मार्ट सिटी की भी मोदी की गारंटी थी दो करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी पंद्रह लाख ,00 खाते में डालने की भी मोदी की गारंटी थी मगर आज सारी गारंटी फेल है सिर्फ एक ही गारंटी है इस देश को बेचने की गारंटी है हाँ उसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल नंबर पे हैं और सब कुछ अडानी और अंबानी को बेचने के लिए लगे हुए हैं मोदी जी का इतना सारा योजना तो है सर आयुष्मान भारत योजना है तो उसके बाद इतने सारे मतलब सारी योजनाएं योजना सुनिए सारी योजनाएं कांग्रेस की नाम बदल बदल के लगाएंगे अच्छा। पता है आप लोगों को इन्होंने नया कुछ नहीं करा और दुर्भाग्य की बात क्या है मैं बता दूं आपको कि अब ये रोडों का नाम चेंज कर रहे हैं और दुर्भाग्य की बात और है कि अपने नाम से जीता एक आदमी जीत मतलब जिंदा रहने अपने नाम पे जैसे उन्होंने स्टेडियम बना दिया ये ये इनकी नाकामी है और किसके नाम को हटा के बनाया पता है किसके नाम को जिसके नाम से वोट मांगते हैं सरदार पटेल सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम को अपने नाम से कर दिए क्या हो रहा है इस देश में क्या हो रहा है मुझे बताइए राम मंदिर पे वोट जगह जगह आपने पोस्टर देखे होंगे राम मंदिर का राम जी का कद इतना और खुद का कद इतना बड़ा आखिरी सवाल ये होगा कि आपने हमारा मुद्दा भी सो अभी जो लालू यादव है वो बोले हैं कि सो तो मोदी हिंदू नहीं है मोदी का कोई परिवार नहीं है परिवार के ऊपर उसके बाद मोदी जी तुरंत कटाक्ष करते हुए ट्विटर पे उनके चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो या फिर अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ तो वो सब लिखते हैं साइड में मोदी का परिवार मोदी का परिवार आज पूरा देश मोदी का परिवार हो चुका है इसके ऊपर क्या कहेंगे देखिए मैं आपको बता दू बीजेपी की आई सेल का काम कमाने सारा ही अच्छा कोई नरेंद्र मोदी का परिवार बनना नहीं चाहता परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता पूछो क्यों उस दिनों पहले चौकीदार भी बने थे लोग पता है आप लोगों को सुनो मेरी बात और चौकीदार ने क्या किया क्या किया सर सब कुछ बेच दिया अच्छा पुलवामा अटैक भी हुआ था चौकीदारी की चौकीदारी में पता है क्या तो हुआ? हुआ मैं पूछना चाहता हूं देश का हत्यारा इस देश का प्रधानमंत्री है कोविड के अंदर कितने लाशें तैरती हुई तैरती हुई दिखाई दिए लोगों को पता है आपको ये भी परिवार इनके परिवार जो कह सकते थे मैं आपको बता दूं देश को बर्बाद करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम काम कर रहे हैं बिल्कुल आप बताइए युवा हत्या कर रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं कौन है उनका जिम्मेदार कौन वाह कौन ले रहा है अरे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा ये तो कौन हुआ हत्या बताइए आप अरे लोगों की उम्मीद को उम्मीदों की हत्या कर दी उन्होंने गरीब गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी की हत्या कर दी इन्होंने बताइए क्या हो रहा है महंगाई कहाँ चली गई ये लोगों की ही तो हो रही क्यों हो रही है और क्या है आपको पता है गरीब क्या कैसे जीव, जीवन व्यतीत करता है आप आप लोग नहीं समझ पाओगे आप लोगों को सिर्फ वाहवाही करने आती है मैं बताता हूँ एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है गरीब एक वक्त की रोटी पे और सुनो ये ये देश की जनता जानती है चार सौ का सिलेंडर आज नौ सौ का सिलेंडर कर देते हैं अभी अभी जस्ट तीन स्टेट के चुनाव हुए साढ़े चार सौ रुपए का वादा था कि हम साढ़े चार सौ रुपये करेंगे राजस्थान में क्या हुआ बताइए आप मैं पूछना चाहता हूं आज इस देश के प्रधानमंत्री ने इससे पहले कितने ही नाम बदलने कभी चौकीदार बन जाते आज परिवार बन जाते नरेंद्र मोदी जी ने यह देश परिवार था एकजुट परिवार था जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवार में दखलंदाजी कर दी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में तोड़ने का काम किया इस परिवार के सदस्य ने अपने आप को परिवार समझता ना कुछ दिनों पहले चौकीदार भी समझता था मैं कहना चाहता हूँ आज देश इतनी बुरी हालत है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा अच्छा सर सुन, सुनिए हाँ, पहले डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में ठीक है मणिपुर में क्या हाल है आग जलनी हो रही है हत्याएं हो रही हैं कौन है हत्यारा बताइए किसके कार्यकाल में हो रहा है ये बीजेपी के कार्यकाल में इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रहा है तो कौन है हत्यारा अभी तक हत्याएं रुकी नहीं है वहाँ पे पहली बात एक बार भी नहीं गया वहाँ पे हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए मैं पूछना चाहता हूँ हरियाणा में किसकी सरकार है भैया बताइए है डबल इंजन की सरकार है हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है वहाँ पे यूपी में किसकी सरकार है वहाँ कैसे हो जाता है मैं पूछना चाहता हूँ ये पेपर लीक के मामले में आज युवाओं पे डंडे चलाए जा रहे हैं और राहुल गांधी जी को देखा आपने हर 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 वर्ग से बात करते हैं वो अरे आपको लोगों से बात करने में कितनी दिक्कत है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करके बात करते मन की बात करके चले जाते हैं आप युवाओं में डंडे आपको पता है माँ बाप माँ बाप किस उम्मीद से बच्चों को भेजते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए बताइए आप आपकी चौकीदारी में पेपर लीक हो रहा है हैं सेंटर में बैठे हैं आप सेंटर में बैठे हैं और सेंटर में बैठने के बाद अगर हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है तो ये आपकी नाकामी है ए सी के बंद कमरे में बैठे आप मैं आपको बता दूं आपने युवाओं को महिलाओं को किसानों को मजदूरों को यहां तक के बच्चों की भी हत्या की आप लोगों ने क्योंकि आपके कार्यकाल में आज सब दुखी है आप चाहे परिवार का सदस्य बना लो आप परिवार बन जाओ कुछ भी कर लो कुछ भी कैंपेनिंग कर लो आप कहते लाभार्थी मोदी की लाभार्थी बीजेपी की लाभार्थी आप मैं कहना चाहता हूँ आप, आपने हानिया ही हानियाँ करी हैं क्या करा आपने जनता के बताइए आप हर घर में चले जाइए आप एक बच्चा दो बच्चा रोजगार के लिए बैठा हुआ है आज बी एम ए करने के बाद आज बेलदारी कर रहा है क्यों क्या हो रहा है इस देश के अंदर क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है उसे पता ही नहीं विजन क्या है सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास ये है मीडिया का टेलीविजन बस हर टाइम टेलीविजन पे आना है उनको करना कुछ नहीं है मुद्दों की बात होनी चाहिए आपने शिक्षा पे बात होनी चाहिए स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए रोजगार पे बात होनी चाहिए आज उसमें फेल है सब फेल है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव है ना अभी ये ये तरसेंगे वोट पाने के लिए कुछ भी कैंपेनिंग चला लें कुछ भी नोट बांट लें क्योंकि जनता को पता है कि पाँच पाँच सौ रुपये दे के ये वोट लेंगे मगर जनता वोट की अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी इस बार और हर जनता आपको पता है आज इनका आई सेल कितना काम कर रहा है सर आप, सुनो, सुनो, आप सुनो. एकदम सही बोल रहे लेकिन जो मोदी जी के सपोर्टर है, है जिस पे भरोसा करे? क्योंकि तो कोई आप कितने पढ़े लिखेड आप भी प्रधानमंत्री के सामने लड़ सकते चुनाव ये लोकतंत्र है सुनिए ये देश के संविधान की आजादी है आप समझिए नरेंद्र मोदी क्या है बताइए आप जनता ने बनाया उनको याद रखिए जनता से है वो जनता ने बिठाया है उन्हें और उन्हें अपना अहंकार को खत्म करना चाहिए बात करनी चाहिए इसलिए बता रहा हूं हर एक देश का 135 करोड़ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है मगर आज मैं आज आपको बता दूं देश में युवाओं की महिलाओं की और सबकी आवाज उठाने वाले राहुल गांधी जी याद रखिए तो राहुल गांधी जी एक मात्र ऐसे हैं कि राहुल गांधी जी के सामने नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाते हैं जब बात का जवाब नहीं दे पाते देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे ओपन चल रहे हैं न? आप डर नहीं है। निड़ है। है। तीन तीन देश में बलिदान हो गए गांधी परिवार से फिर भी देखिए निडरता से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे और ये देखिए मन की बात करके चले जाते हैं किस बात का डर है बताइए आप इनको मैं पूछना चाहता हूँ इस देश मेरी बात से अगर जनता अगर खुश ना हो तो मेरा नाम जयप्रकाश है आप मेरे से मिल सकते हैं मे, मेरे को मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं मगर मैं सच ही बोलूँगा और सच ही बोला है मैंने